मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ, बाबा ज्ञान का सागर। अपना संपूर्ण ज्ञान हमें दिया और जिनको वो ज्ञान समझ में आ गया, स्वरूप बन गए, उनके गुण कर्म लक्षण बाबा जैसे हो जाते हैं और बाबा वाला कर्तव्य वो करने लगते हैं। नॉलेज फुल मन ज्ञानी तू आत्मा। एक होता है ज्ञानी, दूसरा है ज्ञानी तू आत्मा, मीन्स ज्ञान जीवन में उतारने वाली आत्मा, स्वरूप में लाई हुई। तो नॉलेज फुल ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान स्नेह के सागर होते हैं। यहाँ तक बाबा ने कहा उनके पास स्नेह के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। और कुछ का यह मतलब है स्नेह के अगेंस्ट वाली नेगेटिव एनर्जीज, कम या ज़्यादा किसी भी परसेंटेज में स्नेह के अलावा वाली एनर्जीज नॉलेज फुल बच्चों के पास नहीं होंगी, क्योंकि ज्ञान माना समझ है और समझ से हम जान जाते हैं कि कोई व्यक्ति गलत काम क्यों कर रहा है, मेरा भी नुकसान करता है तो क्यों करता है, मेरी भी बात नहीं मानता अगर, मेरी मुश्किलों का भी कारण अगर कोई बनता है तो उसके पीछे वाली भी गति जो जाने, वही तो नॉलेजफुल है ना, कि मैंने इसको दुख दिया था कभी वापस दे रहा है, अब इसको अगर ठीक करना है कि ये मुझे दुख न देवे तो मुझे सुख देना पड़ेगा और दिल से देना पड़ेगा, तब इसके दुख देने की जो क्षमता है वो समाप्त होगी। नॉलेजफुल हो ना, तो नॉलेजफुल आत्मा बाबा ने कहा है अपकारी पर उपकार करने की ताकत रखती है बाप समान। क्यों? आज के ज़माने में बाबा ने कहा है स्नेह संपत्ति से भी अधिक आवश्यक है। संपत्ति मनुष्य इकट्ठी करते हैं सुख के लिए, पर संपत्ति वालों को भी सुख नहीं मिल रहा है। क्यों? उल्टे तरीके से कमाते हैं, उल्टे तरीकों में खर्च करते हैं, तो माया बन जाती है संपत्ति। इसलिए लोगों के मुंह पे भी ये बात आ गई है कि पैसा न दो, गिफ्ट न दो, आ गई ना कॉमन बात, आगे क्या बोलते हैं, सच्चा प्यार, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस दो मीठे शब्द बोलो तो प्यार से, बोलते हैं कि नहीं आपस में, घरों में कॉमन लैंग्वेज है, कुछ ना दो प्यार से बात तो करो, आराम से मेरे पास बैठा तो करो, दो बात कहो, दो बात सुनो, उतना काफ़ी है, हम आपसे कुछ नहीं मांगते। तो बाबा कहते हैं दुनिया की अब टॉप मोस्ट डिमांड बनती जा रही है सच्चा प्यार। इसलिए बाबा ने कहा आज की दुनिया में संपत्ति से भी स्नेह अधिक आवश्यक है। तो हमको क्या करना है, बाबा की तरह रहम दिल, मास्टर क्षमा का सागर बनकर केवल कल्याण भाव रखना है। रहम दिल और मास्टर क्षमा का सागर, दो गुण धारण करने हैं, क्योंकि अगर ये दो गुण नहीं है तो गलतियां करने वालों पर नफरत आ जाती है, गलतियां करने वालों से हम किनारा करने लगते हैं या उनके लिए हम कोटेशंस निकाल देते हैं, इन्होंने तो सुधरना नहीं है, ये तो विनाश करेंगे, ये तो आसुरी दुनिया के है ना, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लेबल लगा करके
हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन बाबा ने कहा आप रहम करो, मास्टर क्षमा के सागर बनो, गलतियाँ करने वालों की गलतियाँ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएंगी, तो आपको क्षमा बढ़ाते जाना, रहम बढ़ाते जाना। एक है किसी को इस भाव से देखो कि हाय इतना गंदा है, ये कर दिया। दूसरी तरफ इस भाव से देखो बेचारा अपना कितना नुकसान कर रहा है, कैसे बच जाए। हाँ माना गंदा कम किया, पर जितना ज़्यादा गंदा करेगा उसका फल आज नहीं तो कल कर्म गति अनुसार भोगना पड़ेगा। माना गंदा किया है, बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है, चाहे हमारे ही अगेंस्ट किया है, परंतु आज उसकी उस गलती से मैं जितना तकलीफ में आऊंगी तो क्या वो खुद उससे बच जाएंगे? उनका कर्म उनके अकाउंट में जाके उनको और कई गुना दुख देने वाला है। तो जहाँ अपनेपन की भावना होती है वहाँ अपनों को दुख से बचाने की इच्छा होती है। आप ना भी बचा पाओ ना, और वो इच्छा काम करती रहेगी कैसे बच जाए, ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा मामा है, बच जाए, नहीं तो जेल जाएगा, नहीं तो लोग बदनाम करेंगे, नहीं तो अखबार में नाम आ जाएगा, कैसे बचे बचे बचे, है ना। अंदर एक इच्छा तड़प होती है कई बार, तो ये रहम, ये है अंदर का रहम। तो रहम क्षमा कराएगा, जब रहम आएगा ना तो गलतियाँ नज़रअंदाज होके उनके इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान जाएगा। उसको फलाने को बोले वो इसको समझाएगा, करते हैं कि नहीं ऐसे अपनों के लिए, ये मेरे समझाए से तो नहीं समझता, चलो फलाने को बोलूं दिस वे दैट वे, भले अपने कई बार अपना ही नुकसान करते, अपने ही घर के बेटे अपने लिए ही गलत बोल रहे होते, गलत कर रहे होते, फिर भी हमें लगता है कोई जरिया निकाले सुधर जाए, अंदर भाव होता ना। तो ये भावना बाबा कहते नॉलेजफुल बच्चों के अंदर होगी, इसलिए वो रहम दिल बन के मास्टर क्षमा का सागर बन के कल्याण का काम करते रहेंगे, तभी तो स्नेह उत्पन्न होगा ना। जब गलतियाँ क्षमा होंगी, क्षमा होंगी कैसे, रहम से। पहले आएगा रहम, उससे पहले है नॉलेज, समझ कि इनके कर्म इनके लिए दुख का कारण बन रहे हैं, समझ से उत्पन्न होगा रहम, रहम से क्षमा, क्षमा से कल्याण, कल्याण का कर्म करेंगे, कुछ भी चाहे मनसा से करे वो भी कम नहीं होता है। तो बाबा ने कहा इस सारे प्रोसेस से घृणा भाव समाप्त हो जाएगा। तो घृणा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, घृणा वाले का योग लग नहीं सकता, घृणा वाला अंदर ही अंदर सुलगता है अनजाने में, वो दूसरे के अवगुण को चबाता रहता है बार 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 बार, क्योंकि घृणा को मेंटेन तभी रखेंगे जब किसका अवगुण या रिवाइज होगा, और जितना रिवाइज होगा उतना वो नफरत के वाइब्रेशन निकलेंगे, और वो वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंच करके उसकी कमजोरियों को भड़का देंगे। तो नफरत से हमारे विश्व कल्याण के कार्य में विघ्न पड़ता है। अपने सुख शांति के लिए ये सबसे बड़ी दीवार है, सबसे बड़ी दीवार। अगर हमने योग से सुख कमाया भी है, आनंदित हुए भी हैं, अमृत वेला किया, क्लास में आए, पर जैसे ही वो आत्मा दिखेगी या याद आएगी सारा बह जाएगा।
कई बार ज़्यादा माइनस में चले जाएंगे। इसलिए राजयोगी आत्माओं को अपनी घृणा पर सबसे पहले काम करना चाहिए। जैसे घर में लकड़ी पर लगा हुआ एक दीमक का कीड़ा भी दिख जाए, आप इग्नोर करेंगे? कोई बात नहीं, एक ही है बेचारा, फिर क्या हो गया? एक से क्या होता है? आपको मालूम है आपके घर में कई लाखों का हुआ लकड़ी का काम बर्बाद हो सकता है, उस एक के बाद कितना अनेक होता है। तो ऐसे ये घृणा का कीड़ा एक नहीं होता कभी भी, ये कब बहुत थोड़े समय में एक से अनेक होकर हमारे सारे गुणों को खा सकता है, सारे गुणों को। क्योंकि घृणा कभी बदला लेने में बदलेगी, कभी जेलसी में बदलेगी, ये फॉल्स फीलिंग्स आने लग जाएंगी, ज्ञान को खा जाएगी घृणा। कोई उसकी महिमा करेगा जिससे हमें घृणा है, सुन नहीं पाएंगे, उसके अवगुण वर्णन करने लग जाएंगे और कहीं न कहीं बदला लेने का जोर लगाएंगे, उसका नुकसान करने का जाने या अनजाने जोर लगाएंगे, कहीं भी दुख दे जाएंगे और वापस दुख आने लगेंगे। और उससे कितना कुछ पैदा होता है, निराशा, चिड़चिड़ापन, थकान, क्रोध, कार्यक्षमता कम होती है, निंदा का पार्ट शुरू हो जाता है, अनेक अवगुण आते हैं। इसलिए चेक करना हमको, कहाँ कोई आत्मा से थोड़ी सी भी घृणा तो नहीं। बेशक अपनी समझ अनुसार हमें लगता है उसने किया ही ऐसा, पर नॉलेजफुल बनना, कभी मैंने किया था, इस जन्म का नहीं तो कोई भी जन्मों का होगा, इस जन्म की भी सारे कर्मों की तो समझ नहीं होती है। बहुत बार हम अपनी गलती को भी ठीक समझ रहे होते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। तो इसलिए नॉलेजफुल आत्मा कोई भी अपकारी आत्मा पर केवल उपकार करेगी, कैसा भी हो, लेकिन उसके लिए रहम, क्षमा, कल्याण भाव और घृणा भाव को ख़त्म करना। ठीक है, क्लियर हुआ है? तो कौन हूँ मैं? मास्टर नॉलेजफुल। मास्टर नॉलेजफुल कैसा होगा? मास्टर स्नेह का सागर बाबा जैसा। जहाँ स्नेह घटता है, ये मत सोचो सामने वाला ऐसा, केवल ये सोचो कहीं नॉलेज की कमी है, उसको फिल करो। मुरलियाँ पढ़ो, क्लास सुनो, अकिनिमित से राय करो, पर अपने घृणा को खुद का दुश्मन मानते हुए उस पर काम करना है ज़रूर। ठीक है, क्योंकि अब हम फरिश्ता स्वरूप के सबसे ऊंची डिग्री पर आ गए हैं, मनसा सेवाधारी। फरिश्ता है मनसा सेवाधारी।